टू माई चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे मसाज के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में। एक्सरसाइज थेरेपी जो है वो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है, और जो मसाज है वो भी एक तरह का फिजिकल मैनिपुलेशन है जो कि हाथों द्वारा दिया जाता है। जो मसाज है वो रिहैबिलिटेशन के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पेन को रिलीव करता है और जो मसल को रिलैक्स करता है। मसाज के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म है ह्यूमन इल्स को ट्रीट करने का। मसाज जो है वो किसी भी स्किल्ड ऑपरेटर या थेरेपिस्ट जिसको उसके बारे में नॉलेज हो उसके द्वारा ही दिया जाता है। मसाज जो है वो बेसिकली किसी भी पेशेंट को पेन से रिलीव करने के लिए, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए, और कॉम्पिटिशन से पहले प्लेयर्स को दिया जाता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन सारे रीजंस की वजह से जो मसाज है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा माना जाता है जो मसाज है वो चाइना से आया है, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हम जो मसाज के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज मॉडर्न एरा ऑफ मसाज, दैट इज स्वीडिश सिस्टम ऑफ मसाज। मसाज जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम फ्रेंच की बात करें तो वहां पर इसे मैसर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है टू रब। अगर मसाज के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये मसल में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, वहां से ये वेस्ट को रिमूव कर देता है। वेस्ट को रिमूव कर देने से जो पेन है वो वहां से हट जाता है। एंड इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, जिसका मतलब है जो भी हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इसके बाद ये स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। डिप्रेशन के पेशेंट के लिए भी जो मसाज है वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम इसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो जो मसाज है इट शुड ऑलवेज बी रिदमिक इन नेचर। मतलब मसाज ऐसा नहीं है कि कभी आपने बहुत हाई इंटेंसिटी से दे दिया, कभी एकदम से लो कर दिया। उसकी जो इंटेंसिटी जो बढ़ती और घटती है, दैट शुड ऑल्सो बी इन अ रिदमिक मैनर। सेकेंडली, इसकी बात करें कंसिस्टेंट कॉन्टेक्ट ऑफ हैंड्स विद बॉडी। मतलब जब भी मसाज प्रोवाइड किया जाता है तो जो भी ऑपरेटर की हैंड्स है और जो पेशेंट की बॉडी है, उन दोनों के कॉन्टेक्ट जो है वो कंसिस्टेंटली बने रहने चाहिए। तो पेशेंट जो है वो रिलैक्स होना चाहिए ड्यूरिंग मसाज। जो पेशेंट है वो पैनिक ना हो, ऐसा ना हो कि उसकी जो ब्लड प्रेशर वो हाई हो रखा हो या फिर वो परेशान हो। ही शुड बी रिलैक्स व्हेन ही इज प्रोवाइडिंग द मसाज। ड्यूरिंग मसाज जो पेशेंट है उसकी जो ब्रीदिंग है वो डीप और स्लो होनी चाहिए, तभी जो मसाज है वो हेल्पफुल होगा। जो मसाज है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जल्दबाजी में दें। इट शुड बी गिवन अ वेरी प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द गाइडलाइंस। अब हम बात करते हैं मसाज को प्रोवाइड करने के बेसिक मेथड्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं स्वीडिश मसाज सिस्टम के बारे में, और यहाँ जो सबसे बेसिक मेथड है मसाज को प्रोवाइड करने का, दैट इज एफिलियोरेज, जिसका मतलब होता है स्ट्रोकिंग। यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी सुपरफिशियल स्किन को हम वार्म करते हैं, इट्स लाइक ग्लाइडिंग। अगर आपको किसी भी पेशेंट की बैक में मसाज देना है तो हम उसकी लोअर बैक से ऊपर की तरफ अपने पाम से ग्लाइड करेंगे। जो प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज यूजुअली थ्रू पाम और फिंगर्स। यहाँ जो भी मसाज दिया जाता है वो इस तरह दिया जाता है कि जो आप ब्लड है उसको आप टुवर्ड्स हार्ट लेके जाते हो। जब हम अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, और जब अपने हाथ को हम वापस ओरिजिनल पोजिशन पे लेके आएंगे तो जो प्रेशर है वो पहले से कम रहेगा। जो एफिलरेज है वो बेसिकली जो है वो हमारे सुपरफिशियल टिश्यूज को वार्म करने के लिए दिया जाता है। ये जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है और वहां का जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देता है। बात करें सेकेंड मेथड की, दैट इज पेट्रीसेज, जिसको हम कहते हैं नीडिंग। नीडिंग का मतलब सेम जैसे हम आटे को नीड करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर नीडिंग प्रोवाइड करनी होती है। नीडिंग के लिए हम जो भी स्किन है उसको हम लिफ्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं और फिर रोल कर देते हैं। नीडिंग जो है वो बेसिकली डीपर टिश्यू के लिए प्रोवाइड की जाती है। जो एफिलरेज है वो यहाँ सुपरफिशियल टिश्यूज को टारगेट करता है, जो नीडिंग है वो डीपर टिश्यू को टारगेट करती है। बात करें तीसरे मेथड की, दैट इज टैपोटमेंट, जिसे हम पर्कुशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है वो दोनों हाथ से होती है, दे आर रिदमिक। टैपोटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्लैपिंग। स्लैपिंग में अपने दोनों हाथ को जो है वो रिदमिकली इस पेशेंट की स्किन या जो मसल है उस पर मारते हैं। हैकिंग की बात करें तो यहाँ हम कराटे चॉप्स का यूज करते हैं सेम थिंग करने के लिए। बीटिंग की बात करें तो बीटिंग करने के लिए अपने दोनों हाथ को इस तरह करके जो मसल है उसे बीट करते हैं। टैपिंग की बात करें तो हम फिंगर से वहां पर उसे टैप करते हैं। ये सारे मेथड जो है वो टैपोटमेंट या फिर पर्कुशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन जो है वो सर्कुलर मोशन में दिया जा सकता है, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तीन तरह से जो फ्रिक्शन है वो दिया जा सकता है।
फ्रिक्शन जो है वो जिस मसल ग्रुप को दिया जाता है वो उस टिश्यू या उसकी लेंथ के अलोंग दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको जहां भी मसाज देना है आप उसे वाइब्रेट करते हो, एक शेकिंग मैनिपुलेशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये बेसिकली 5 मेथड हैं जो कि स्वीडिश मसाज सिस्टम में आते हैं मसाज को प्रोवाइड करने के लिए। सो जो मसाज है वो एक तरह का सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन है जो कि हाथ से दिया जाता है। जो मसाज है उसमें स्वीडिश मसाज सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें ये 5 तरह के मेथड्स का यूज किया जाता है। आई होप आपको मसाज समझ में आया होगा। यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।